सासाराम में सोमवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के खिलाफ जिले में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और कलेक्ट्रेट और पोस्ट ऑफिस में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई। साथ ही सड़क पर आगजनी के साथ पथराव भी किया। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उग्र छात्रों को किसी तरह शांत किया। पुलिस ने हंगामा कर रहे नौ छात्रों को हिरासत में लिया है। इस घटना में तीन पुलिसकर्मियों के साथ साथ पत्रकारों को भी चोटें आई है। देखिए, लॉकडाउन फॉलो हो रहा था, उसी के लिए कुछ संचालकों की रणनीति थी कि थोड़ा हंगामा हो, तो अभी तो स्थिति शांति में है और हम लोग यहाँ पे हैं, तो कोई अभी वर्तमान में कोई इशू नहीं है। बाकी लॉकडाउन सख्ती से इन्फोर्स होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार बिपिन जुड़ चुके हैं। कुमार बिपिन, जो है छात्र जो है उग्र हैं और लगातार तोड़फोड़ मचा रहे हैं, क्या इसके पीछे जो है कंज संस्थान जो चालक है, क्या उनकी हाथ तो नहीं है कि वो अपने पीछे होकर आगे छात्रों को कर दिए हैं और इस तरह की जो है घटना लगातार सामने आ रही है वहां से सासाराम से? जी अवनीश, मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश कोचिंग संस्थानों को बंद करने के हेतु जिला अधिकारी रोहतास द्वारा एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। वही मजिस्ट्रेट सासाराम स्थित गौलक्ष्मी पे जाते हैं और कोचिंग संस्थानों को बंद करने के लिए कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए कोचिंग संस्थान बंद कर दिए जाए। तभी होता क्या है कि छात्र जो है उग्र हो जाते हैं और छात्रों को काफी समझाने के बाद भी छात्र नहीं समझते हैं और छात्र पुलिस पर पथराव कर देते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में कि पथराव कर रहे हैं, उग्र हो गए छात्र। यहीं तक छात्र नहीं रुके, छात्र समरालय में गए डीएम ऑफिस, वहां भी एक यात्री सेट को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किए। जी बिपिन, खबर ये भी है कि जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं छात्र, उन पर वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी तक आपसे अधिकारियों से बातचीत हुई है कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जा सकती है? जी हमारी बात रोहतास पुलिस अधीक्षक से हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर देखकर तय कर लिया जाएगा। तय करने के बाद उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ज्यादा जानकारी के लिए बिपिन धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है सासाराम की है, जहाँ पे छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ मचाया है।